ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है इराक से, अर्बिल से। अर्बिल में जहां पे हमें मालूम है कि 12 मिसाइल दागे गए हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है ईरान ने ले ली है। उनके IRNA ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि ये बेसिकली UN काउंसिलेट पे हमला नहीं था, ये हमला किया गया था इसराइल के सीक्रेट बेसिस पे। और ये कहा जा रहा है, इराक के एक ऑफिशियल ने कहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है ये 110 फतेह ईरानियन बेस्ड प्रोजेक्टाइल फायर किए गए हैं। और इसको अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमला US काउंसिलेट पे था कि एयरपोर्ट पे था, हालांकि एयरपोर्ट पर कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है, लेकिन इसको माना जा रहा है एज अ रिटेलिएशन। जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड दो मारे गए थे इजरायली अटैक में सीरिया में, उनका बदला इसको माना जा रहा है। यूएस का कहना है कि पहले 3 लोग थे, अब उन्होंने कहा है कि कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ है।